नमस्कार, अर्चना डेलीकेसीज में आपका स्वागत है। आज मैं सूजी, आलू और बेसन से एक नए तरह की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी बच्चों के टिफ़िन या कभी भी अचानक से मेहमान आ जाए तो हम उन्हें जल्दी जल्दी बनाकर खिला सकते हैं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सूजी, बेसन और आलू से बना हुआ एक नए तरह का रेसिपी बनाना। उसके लिए मैंने आधा कप सूजी लिया है और 1/4 कप बेसन लिया है और आधा कप दही लिया है और 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। और हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि कहीं भी लम्स ना रहे, अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करके हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसको बिल्कुल डोसे का पेस्ट की तरह होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल, और उसमें हम थोड़ा सा राई या सरसों डालेंगे और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और उसमें हम आधा कप मटर डालेंगे। और मटर जब थोड़ा सा चटक जाए तब हम इसमें 2 बड़े उबले हुए आलू को मैश करके डाल देंगे। मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे और फिर हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। पाव भाजी मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पाव भाजी मसाला डालने के बाद हम इसको लगभग 1 मिनट तक भुनेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और धनिया पत्ती डालने के बाद थोड़ा सा चला लें और फिर इसको गैस को हम बंद कर देंगे। अब मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है और उसमें अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे ब्रश से। अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर के तवे पर डालेंगे। और इस तरह से इसको घुमाते हुए फैलाएंगे। आप चाहें तो स्पून से भी फैला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, थोड़ा सा फैलाना है। और फिर इसको हम पलट देंगे और दोनों तरफ से इसको पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डालेंगे और दोनों तरफ हम सेक लेंगे इसको। अब हम आलू का जो हमने मसाला बनाया है इस पे डाल करके दोनों को सैंडविच की तरह लगा देंगे और दोनों तरफ से सेक करके हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे। दूसरा भी सेम प्रोसेस में बनाएंगे हम। थोड़ा थोड़ा बैटर डाल करके हम बना करके दोनों तरफ से इसको सेक लेना है। इसको बनाने में जल्दीबाजी ना करें नहीं तो ये टूट सकता है, तो इसको आराम से बनाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब हम फिर से इसके ऊपर आलू डाल करके इसको सैंडविच की तरह तैयार करेंगे। एकदम दबा करके हम सैंडविच की तरह दोनों को मिला लेंगे और दोनों तरफ से सेक करके इसको हम निकाल लेंगे। आप इसको सॉस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये तैयार है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।